मुल्क के मामलात हैं कि कौम को कह रहे हैं कि हमारा 20 करोड़ लोगों का पानी रोका जा रहा है, हम कोई बनाना स्टेट है, किसी का बाप हमारा पानी रोक सकता है जी? उसमें इतनी अहलियत है? किसी का बाप हमारा पानी रोक सकता है जी? उसमें इतनी अहलियत है? इतने लोटे सबके सर पे बस बार खूनी, ये तेरा इलाका नहीं बेटे, ये पीपल का लूनी। खैर जाता सारे चुका चुपचाप निकल ले, गलती से मेरा पुत्र अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, शो पैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम भाई खड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, फूड का पाकिस्तान विद इन ड्राइवर एपिसोड 11 आज हम शुरू करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद में भाई फुल एक्साइटेड है। इस टाइम मैं बड़ी खूबसूरत सी जगह पे हूँ, कोई पार्क है बड़ा मज़े का, और यहाँ पे जो दरख्तों का कलर इस्लामाबाद में हुआ हुआ है वो आपको ये पीछे नज़र आ सकता है। क्या यार मज़ेदार गेम है। आज हम इस्लामाबाद में कुछ नाश्ता करेंगे, कुछ उसके बाद कोई कढ़ाई बारबेक्यू टाइप चीज़ें देखेंगे। शाम को मेरा प्लान है कि कुछ एक फैंसी टच होना चाहिए, जब आप इस्लामाबाद में और फैंसी टच ना हो ये होनी चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्लान थ्रू आउट द वीडियो कहीं भी चेंज हो सकता है, हम सोचते कुछ हैं होता कुछ है। बट इस्लामाबाद में आज मज़े के खाने खाएंगे, कुछ मज़े मज़े की चीज़ें जो जो हमें मिलती जाएंगी वो शुरू करेंगे। फ़िलहाल फैसल मस्जिद इस टाइम मेरी बैक साइड पे है और इस्लामाबाद में मौसम बड़ा मज़ेदार है, ज़रा ठंडा मीठा सा, और भाई शुरू करने लगा है अपना इस्लामाबाद का दिन। सो वेलकम टू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। पिंडी बॉयज टेंशन नहीं लेनी, हम लोग पिंडी और इस्लामाबाद दोनों को कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग इन इस्लामाबाद कोयटा बलूचिस्तान कैफ़े। इस्लामाबाद में अगर आप फिर रहे हैं तो ये मैं इस टाइम खड़ा हूँ I-10-2 मरकज़ मार्केट जो है उसमें एक कोयटा बलूचिस्तान कैफ़े, और अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद में बहुत जगह पे आपको कोयटा बलूचिस्तान कैफ़े मिलेंगे। यहाँ पे जो है मोस्टली पठानों ने आके ये खोले हुए, और इनके से कोई एक्सट्रीमली कोई यूनिक चीज़ या कुछ अलग से नहीं होता। इनकी जो चाय और पराठा है वो इनकी गेम है, साथ में ये अंडे सर्व करते हैं, साथ में चने और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सामने लग रहे हैं धड़ाधड़ पराठे, इनके पराठे होते हैं छोटू छोटू से। यहाँ पे बन रहे हैं पराठे पराठे और साथ में अंडे शंडे बन रहे हैं, उसके बाद इस तरफ आ जाता है चाय वाला निज़ाम, और इनका चाय वाला निज़ाम एग्जैक्ट वही चीज़ है जिस तरह आप देखते हैं मतलब कोयटा वगैरह में या पेशावर में अगर हम जाएं तो वहाँ भी चाय इस तरह बनती होती है। इन्होंने कोई चूल्हे शूल्हे नहीं रखे होते, शेल्फ है उसके ऊपर ही एक जो है ना वो लोहे की एक स्लैब टाइप होती है, उसमें सुराख होते हैं, उसके नीचे से आग आ रही होती है, तो ये डायरेक्ट उसके ऊपर जो है वो अपने मतलब ये बर्तन जो बड़े बड़े जग टाइप इन्होंने बर्तन बनाए थे उसी के अंदर चाय बनाते हैं, और उसमें बनती रहती है जिसमें पत्ती भी मतलब और एंड होती रहती है, जो पहले वाली पत्ती है वो भी साथ चिपकी रहती है, तो उसकी वजह से चाय के अंदर जो एक पत्ती की रिचनेस है वो बड़ी हैवी हो जाती है। तो ये इनका एक यूनिक सा स्टाइल होता है, और यहाँ की जो चाय है वो वन ऑफ द बेस्ट टीज़ मैं उसको कह सकता हूँ जो मैंने पी हुई है, क्योंकि मोस्टली अगर आप ये कोयटा बलूचिस्तान कैफेज जितने भी हैं कराची में बहुत हैं, इधर इस्लामाबाद में बहुत हैं, कोयटा में तो खैर है ही है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है? खान साहब ये मुझे बताएं कि ये इतनी मज़े की चाय जो है इसकी क्या वजह है, कि पत्ती है दूध है क्या है? ये पत्ती एक नंबर है, फिर दूध जो है वो खालिस दूध है, इस वजह से। ठीक है, और ये जो आप लोगों का ये स्टाइल है नीचे मतलब चूल्हा कोई नहीं है, ये क्या चीज़ होती है? ये चूल्हा इसे नीचे, अच्छा इसके नीचे चूल्हा लगा हुआ है, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है। कैसे? ये लोहिया जो पड़ा हुआ है सारा गर्म होता है, फिर इसमें दूध भी गर्म, चाय भी गर्म, पानी भी गर्म होता है। क्या कह रहे हो? एक पराठा खाया इससे, एक पराठा तो उसके बाद दिल खुश हो जाए। कब से हो यहाँ पे? एक साल पड़ा हुआ है। कोयटा से हो? हाँ। सही है, एक पराठा खाएंगे दिल खुश हो जाएगा, और दो खाएंगे तो दो दिन दिल खुश। अच्छा जितने दिन दिल खुश रखना हो उतने दिन उतने पराठे खा लो। हाँ कोयटा बलूचिस्तान कैफ़े का नाश्ता हमारे पास आ चुका है, और पराठे की जो गेम है ये आप इसका कलर चेक कर सकते हो, और कलर के अलावा ये मतलब मुझे ऐसे पीछे से मैं इसको दोबारा हूँ तो सॉफ्ट है, ऊपर से मैं इसको दोबारा हूँ तो प्रॉपर कड़कड़ाता हुआ ये पराठा है। साथ में हमारे पास चने हैं, फ्राइड एग हैं, ऑमलेट है, ऑमलेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, फ्राइड एग ठीक लग रहा है क्योंकि वो जिस तरह ये होता है इन जगहों पर। इनकी असल जो ख़ास चीज़ है मतलब मुझे इनके चने अंडा वगैरह चीज़ों से कोई लगाव नहीं है, लेकिन चने मैं ट्राई करूँगा, मुझे आज देखने में अच्छे लग रहे हैं। ये पराठा ओए होए बलों वाला, ये तो ऐसे चूरो चूर हो जाता है। अभी पराठा इस तरह कि ऊपर से जो इसकी मतलब ये बलों वाला होता है तो ऊपर से क्रिस्प
क्रिस्प अलग हो जाता है, कुछ 5-6-7 लेयर्स हैं बारीक बारीक, ऊपर वाली क्रिस्पी, अंदर जिस तरह हम पैटीज खाते हैं, आप सोचो पैटीज के अंदर लेयर्स ही लेयर्स होती हैं, लेयर्स ही लेयर्स, ऊपर वाले वो पापड़ टाइप बने हुए बड़े मज़े के, अंदर से वो बड़ा नरम नरम से। इसको हम लगाएंगे पराठे को, ओहो यकीन करो ये अकेला पराठा ही खाने वाली चीज़ है। मतलब आप इसे खाओगे, ऐसा होता है ना कि आप रोटी पराठा चीज़ें अकेले नहीं खा सकते, ये हल्का हल्का मीठा सा आपको टेस्ट फील होता है। वो पता नहीं आटे में चीनी डालते हैं, चीनी तो नहीं डालते, शायद हो सकता है मे बी चीनी डालते हैं, या पता नहीं वो मैदे की वजह से ऐसा टेस्ट है। बड़ा क्रिस्पी, हल्का सा सॉल्टी सा, हल्का सा सॉल्टी, चाय स्पेशल स्पेशल तेज पत्ती मीठा रोक के, पत्ती ठोक के मीठा रोक के, तेज पत्ती हल्का चीना, हाँ मीना चीना। अच्छा इधर ये जी, इसके साथ हम लगाएंगे हैं 5 कप, इधर हम लगाएंगे इसको फ्राइड एग और इसकी जर्दी फोड़ लेंगे। होए 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 होए, अंडा तो वैसे ही गाइस जैसे होता है, अब इसका मैं आपको क्या बताऊं कि इस अंडे में ये है और वो ऐसा कुछ अंडा अंडा जैसा होता है। अच्छा जी ये मुझे बता रहे हैं कि इस पराठे के अंदर दूध डलता है, अंडे डलते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट रहता है। अभी यहाँ पे पड़े हुए इसको कोई इसमें सख्त नहीं हो रहा कुछ भी, और टेक्स्चर जो है वो बाकर खानी जैसा है, और खाने में चुबाने में जिस तरह बन को स्मूथली आप खा रहे होते हैं उस टाइप की चीज़ है। क्या ले आओ, आ गई दे दो मेरी, दे दो मुझे, शुक्रन शुक्रन अबाबीलन। चाय आ चुकी है और स्पेशल प्याली के अंदर चाय है। नेक्स्ट स्पॉट पे जाने के लिए अभी मैं बुक करवाऊंगा इन ड्राइवर, और हम लोगों ने जाना बर्निंग ब्राउनी। कमेंट्स एंड विशेज में मैं लिख देता हूँ कि हम लोग थोड़ा मार्केट के अंदर हैं, ताकि ड्राइवर को आसानी से पता लग जाए, क्योंकि ये मार्केट की थोड़ी सी अंदर वाली साइड है। फाइंड अ ड्राइवर। ओके जी, ड्राइवर इज 5 मिनट्स अवे। और अच्छा, जब आप कोई भी इन ड्राइवर पे राइड करवाते हैं तो यहाँ पे ये एक शील्ड बटन है, इस शील्ड बटन को दबाने से क्या होता है, कॉल द पुलिस या शेयर माई लोकेशन। तो ये सेफ्टी के लिए शील्ड बटन यूज़ की जाती है, कि अगर आप राइड में हैं और आपको कोई भी इशू वहाँ पे हो रहा है तो आप पुलिस को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या लोकेशन शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी मतलब दोस्त भाई बहन भाई को, कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, ये ज़रा मेरी लोकेशन पे चेक करते रहना, मुझे मसला ना हो जाए। अभी मैं पहुंचा हूं बर्निंग ब्राउनी पे, ये पीछे आपको नज़र आ रहा है बर्निंग ब्राउनी, ये कैफ़े एक बड़ा मज़ेदार, ये मैं फ्रीक्वेंटली ट्राई करता रहता हूं जब भी मैं इस्लामाबाद आता हूं, तो मैंने सोचा कि आज आपको भी दिखाया जाए कि ये क्यों मैं यहां पे आता हूं। इनकी बड़ी मज़े की ब्राउनी बार्स होती हैं, एक यूनिक चीज़ है वो। ये बर्निंग ब्राउनी का आउटडोर एरिया है, आप आउटडोर भी बैठ सकते हैं और इनडोर भी बैठ सकते हैं, मौसम के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से। एंड व्हेन यू आर इन इस्लामाबाद तो थोड़ा फैंसी डिज़र्ट भी तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टॉप लिया है। ओके हाँ, like a magnet wearing holes in the carpet counting steps to the back porch same song। अच्छा बर्निंग ब्राउनी का एम्बियंस एक मतलब इतना कूल किस्म का इन्होंने कैफ़े डिज़ाइन किया हुआ है, कि ये आपको पीछे इस तरफ जो वॉल नज़र आ रही है इसके ऊपर इन्होंने ओल्ड स्कूल जो है वो कुछ सीनरीज टाइप लगाई हुई, ओल्ड स्कूल कुछ मीम्स कुछ कोट्स इस तरह की चीज़ें लगा के वॉल्स को फिल किया हुआ है। इस तरफ ये पूरा वेस्पा जो है वो दीवार पर इस तरह खड़ा हुआ है, तो बड़ा एक आपको ओल्ड स्कूल कूल वाइब आती है कैफ़े में बैठ के। और कैफ़े डिज़ाइन इस तरह से हुआ कि अंदर बैठे हुए आपको इनडोर में आउटडोर की फील आएगी, इतने बड़े बड़े इन्होंने विंडोज़ लगाई हुई हैं, यहाँ से सामने में जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं हर चीज़ के, मतलब हाँ आप इनडोर में बैठना चाह रहे हो लेकिन बाहर भी देखना चाह रहे हो, मौसम अच्छा है, तो वो वाला सीन है। अभी वहाँ काउंटर पे डिफरेंट ब्राउनीज़ कॉफ़ीज़ एवं शैयाँ पहियाँ ने, और वो हम उनमें से कोई खाएंगे अभी चीज़ें। यहाँ ऑप्शंस इतनी है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इनमें से क्या क्या चीज़ मुझे ट्राई करनी चाहिए, मतलब चीज़ केक पड़े हुए हैं, न्यूटेला ब्राउनी फलाना टिमकाना, मैं मतलब 2, 4, 6 तकरीबन 8 डिफरेंट ब्राउनी स्लाइसेस पड़े हुए हैं, तो मैं उनमें से देखता हूँ कि मैं कौन कौन सा ट्राई करूँगा। अच्छा अभी मैंने बर्निंग ब्राउनी पे जो है वो टोटल इनकी 6 चीज़ें मंगवाई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है उमर्स चीज़ केक शेक, मैंने उनसे पूछा कि ये उमर्स चीज़ केक, मैंने ये सिर्फ नाम की वजह से मंगवाया है,
की उम्र चीज केक शेक क्यों है। वो कहते हैं जो बर्निंग ब्राउनी के मास्टर शेफ थे जिन्होंने ये चीज केक शेक बनाया था पहली बार, इसकी रेसिपी को यूज करते हुए, उनका नाम उमर था, वो यहाँ से जा चुके हैं। यार शेक बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बट मुझे ये कैरमल शेक लग रहा है। चीज़ केक की कोई एक्स्ट्रा वाइब मुझे आई नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ कैरमल शेक पी रहा हूँ, बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे कहीं फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ केक भी है। उसके बाद मेरे पास है जी हॉट चॉकलेट, और ऑनेस्टली हॉट चॉकलेट मुझे बहुत बहुत रेयर हुआ है कि अब कहीं पर अच्छी मिली हो। ये मुझे लग रहा है जिस तरीके से बनी है, मैंने बनते हुए देखा है। मुझे लगता है ज़िंदगी में पहली या दूसरी दफ़ा मुझे असल मज़ेदार जो है वो हॉट चॉकलेट मिली है, जिसमें ऑथेंटिक एक चॉकलेट वाइब है। वरना ये होता है वो कोका पाउडर डाल के और उसको मिक्स करके वो हॉट चॉकलेट बना देते हैं लोग। ये बहुत मज़ेदार हॉट चॉकलेट है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर चॉकलेट चंक्स ऐड करके, मतलब उसको क्रश करके और वो कॉफ़ी मशीन में लगा के, और उसमें से वो जो है वो बहुत मज़ेदार है यार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इन्हें कप भी बड़े सोने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्राउनी बार है चॉकलेट कैरमल की, और देख इनकी जितनी भी ये बार्स हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बड़ी यूनिक लगती हैं। ऐसे प्लेन आपका दिल करता है कि पूरी उठा के बना खा रहे, लेकिन हम थोड़ी सी तमीज़ करनी पड़ी है थे। नेक्स्ट लेवल। ये जैसे आप मैग्नम खा रहे होते हैं उस तरह एकदम से ऊपर क्रंची चॉकलेट, क्रंची बिस्किट्स, और अंदर से बड़ी एक स्मूथ फज टाइप कैरमल टेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी चीज़ है, बिस्कॉफ बार, और इसमें तकरीबन ये कोई 4 या 5 लेयर्स हैं डिफरेंट। ओहो हो, तोड़ने में ही इतनी स्मूथ है। ओहो, मज़ेदार यार, डिजर्ट हेवन। इसके नीचे जो है वो बिस्कॉफ बिस्किट्स की एक पूरी लेयर है, उसके ऊपर फिर एक फज क्रीमी, फिर उसके ऊपर थोड़ी थिक चॉकलेट, फिर उसके ऊपर ज़रा बिस्कॉफ क्रीमी, मतलब पूरा टेस्ट वो जैसे बिस्कॉफ अगर आपने खाए हुए थिक टेक्सचर्ड, आपको बिस्किट्स प्लस चॉकलेट और प्लस ऐसे गुई गुई सा फील होता है। चॉकलेट स्नीकर बार, उसके ऊपर छोटे छोटे स्नीकर्स की टुकड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, ऊपर वाली जो लेयर है वो थिक फ्रोजन चॉकलेट टाइप है, उसके नीचे स्पंज बिल्कुल बारीक से इन्होंने डार्क ब्राउन कलर में डाला हुआ है, उसके नीचे फिर से फज है बिल्कुल सॉफ्ट सा, मैं मतलब उसके अंदर चम्मच मार रहा हूँ तो वो अंदर, और उसके नीचे फिर से फज, ये मज़ेदार। ओ सॉफ्ट, आ हा हा हा, सॉल्टी सॉल्टी सा मीठा प्लस सॉल्टी सा एक टेस्ट है, जिस तरह स्नीकर आप खा रहे हो तो उसके अंदर एक हल्की सी सॉल्टी वाइब आपको आती है, बट टेस्ट एग्जैक्ट जिस तरह आप स्नीकर चॉकलेट खा रहे होते हैं वैसा नहीं। बहुत मज़ा करवा रहे हो, बैलेंस कर रहा है चीज़ को। देन हमारे पास है जी चीज़ केक, जिसके लिए भाई क्या कह सकते हैं कि भाई की कमज़ोरी है चीज़ केक। ओहो, एक्सट्रीमली सॉफ्ट, मुझे लगा मैंने बटर के अंदर, मेल्टेड बटर के अंदर अपना जो है वो चमचा घुसाया, इतना सॉफ्ट है। मेल्ट हो रहा है ज़ुबान के ऊपर, और नीचे की लेयर है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी, बट टेस्ट एग्जैक्ट जो चीज़ केक होता है ना वो वाला टेस्ट नहीं है, मतलब ये मुझे लगा नहीं कि ये चीज़ केक है। टेक्सचर बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है, हल्का सा सॉल्टी है, बट एग्जैक्ट नो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। ये बर्निंग ब्राउनी बाय द वे बेवरली सेंटर में है, और अभी हम लोग अपने इन ड्राइवर मंगवाएंगे और अगली जगह की तरफ रमा दमा होंगे। फाइंड अ ड्राइवर, और मैं एक बहुत मज़े की चीज़ आप लोगों को बताऊं, अक्सर लोग शैतानियां करने के लिए इन ड्राइवर को यूज़ करते हुए बड़ी ऊटपटांग हरकतें करते हैं, ख़ासतौर पर नौजवान। तो जो भी ड्राइवर होगा, मतलब जिसको आपकी राइड जा रही है, वो ड्राइवर आपकी रेटिंग्स देख सकता है और आपका नाम देख सकता है प्रीवियस राइड से, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो भी रेटिंग कर सकते हैं। तो आप कोई भी अगर ऐसी हरकत करते हैं तो ड्राइवर्स आपको रेटिंग कम दे के अगले ड्राइवर्स के लिए हेल्प कर सकते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है भाई, इसको राइड पे ना बिठाना। तो ड्राइवर्स चूज़ कर सकते हैं कि मैंने इस बंदे की राइड पिक करनी है या नहीं करनी, तो इसलिए अपनी हरकतें सीधी रखा करो। अच्छा, पिंडी बॉयज मेक सम नॉइस, अब हम जा रहे हैं पिंडी। रावल पिंडी राजा बाजार हम लोग पहुंच चुके हैं। राजा बाजार की एक अलग वाइब है, जरा एंशियंट पिंडी कह सकते हैं इसको, मतलब पुराना टाइम थोड़ा सा यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमने ढूंढना है, अंदर कहीं बारीक गलियों में है, कोई बहुत पुराना रेस्टोरेंट है वो, दिलबर रेस्टोरेंट के नाम से, दिलबर होटल।
बहुत पुराना ढाबा टाइप है, लेकिन कोई यूनिक कश्मीरी खाने मिलते हैं वहाँ पे, कश्मीरी प्लस डिफरेंट कोई खाने हैं वहाँ पे, डिफरेंट कुजीन है, वो अभी ढूंढना है हमने गलियों के बीच में से। शुरू किया मेरे वालिद साहब 47 में आए, माइग्रेट हो गए कश्मीर से, ऑक्यूपाइड कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हम लोग, और ये डिशें सारी कश्मीर की हैं टोटली। तो वहाँ के खाने श्रीनगर के, कपवाड़ा के, छपैया और वैदी के जो इलाके हैं वहाँ के खाने, वो 47 में जब वो माइग्रेट हो गए आए, उन्होंने यहाँ पहले छोटा सा सेटअप शुरू किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने जो है प्रॉपर 1950 में ये कश्मीरी खाने लॉन्च किए, तो जनाब वो टाइम देख लें और आज 2022 से कंटिन्यू है, 72-73 साल या ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान आम उम्र ये रेस्टोरेंट। आप कहने आर्मी के ऑफिसर, सिविलियन, बर्क्रेट, हर किस्म के जो मजदूर से लेकर हर बंदा यहाँ आता रहा है। 47 के बाद यहाँ जाकर अली खान भी आए, तो पहले गवर्नर जनरल थे, वो भी खाना खा चुके मेरे वालिद साहब। 76 में यहाँ भट्टो साहब आए, गुलफकार अली भट्टो साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ थे, उन्हें शेख मंजर मसूद साहब थे स्पीकर आज़ाद कश्मीर, उन्होंने दावत दी थी, तो उनका पूरा ये कश्मीरी खानों की उनकी दावत हुई थी। कश्मीरी खानों ये जो खाने होते हैं इसकी पूरे डिशों को कहते हैं दस्त मजबान। नेरो स्ट्रीट्स ऑफ राजा बाजार और दिलबर होटल के अंदर हम आ चुके हैं किचन के अंदर। शपैक क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तो 15 पतीले पड़े हुए हैं यार, ये क्या चीज़ है जो आप निकाल रहे हैं? गुश्ताबा, ये मटन का होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जो आपने मुझे दिखाया है मटन को कूट के बनाते हैं गुश्ताबा, वेरी यूनिक यार। दही में बनता है ये जी मटन गुश्ताबा, और इसका ये इसकी ग्रेवी किस चीज़ की है? दही में बनती है। अच्छा, बस दही और मीट जी, जी। ये तो मीट के बड़े बड़े बॉल्स बना के और उसको ग्रेवी में, बॉल होते हैं बड़े स्पंज की तरह होते हैं, बड़े सॉफ्ट ऐसे काट, हाँ जी, एक की तरह कटते हैं। तो इसका एक कश्मीर खास पे भी बड़ा इसका हिस्सा है, और हमने एज ए फूड की शक्ल में एक अपना कश्मीरी कल्चर जिंदा रखा हुआ है पिछले 72-73 साल से। ये मटन आप गोश्त है, मटन आप गोश्त, आप गोश्त, आप गोश्त, दूध मांस भी कहते हैं कश्मीरी में, ये कश्मीरी डिश है, ठीक है। ये मटन जो है दूध में बना होता है, ये देखिए, ये दूध में। अच्छा, ये सारी ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेज हैं? प्योर कश्मीरी, श्रीनगर की डिशे हैं, श्रीनगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की वैली की डिशे, कोफ्ते हैं ये, कोफ्ते हैं ये मटन के। अच्छा जी, मटन कोफ्ता, ओहो, खूबसूरत, अपने कश्मीरी स्टाइल, ठीक है। ये मटन हरीसा है, ये मटन हरीसा है, ये हरीसा मटन। अच्छा, ये इसको भी बड़ा लड़ाई रगड़ना पड़ता है, घोलना पड़ता है। सही सही सही, हाँ जी, हरीसा तो वैसे ही बड़ी देर पकने वाली चीज़ है जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, ये प्लेट लाएँ ज़रा प्लेट, ये जो है ना जी, ये रिब्स है। अच्छा, ये पक, ये करके नहीं, वाइट टेबल पे मटन रिब्स, ये मटन रिब्स है, इसे तपक मांस कहते हैं। ये खुश किया हुआ गोश्त है ना, ये रोस्ट होता है ये मसालों में हमारे तरीके से, ठीक है। इसे कहते हैं तपक मांस, तबक माल, तबक माल भी कहते हैं, तबक नॉट भी कहते हैं। ओह, और ये प्योर कश्मीरी डिश है, ये रिब्स होते हैं, ये कबाब हमारे, ये मटन का कबाब है, मटन कबाब, ये देखिए ये 1 फुट लंबा, ये तो तकरीबन 1.5 फुट का कबाब है, ये कबाब मटन के, ये तो बहुत लंबा कबाब है, प्योर कश्मीरी कबाब है, और इसमें कोई मसाले हमारे खास किस्म के, सही सही, इसमें कोई वो प्याज श्याज में कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसको फ्राई कर देते हैं, हम इसको अपने इसमें करते हैं फ्राई, उसके बाद सर्विंग होता है, ये देख, सही है। ओहो, और ये पालक है, मटन पालक, मटन है जी, ये प्योर कश्मीरी स्टाइल है, ठीक है, मटन पालक, ये मटन है इसमें, सही सही सही, कोफ्तों में भी चलता है ये सर, पालक और सफेद चावल, वाइट चावल है। आपको क्या पसंद है यहाँ पे? सब चीज़ें पसंद है, सब चीज़ें खाते हैं, सब चीज़ें पसंद है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? कश्मीर से, कश्मीर से हैं, वो भी फेमस है।
क्या बात है अभी लिखा क्या मटन सादा गोश्त और ये मटन कोफ्ते गेम नेक्स्ट लेवल पे जा रही है नेक्स्ट लेवल पे कश्मीरी सीख कबाब एक एक फुट का सीख कबाब है सीरियसली यार मटन कुश्ताबा उसके बाद मटन सीख कबाब मटन पालक और मटन कोरमा चिकन कोरमा और इसका नाम तबक मास ठीक है ये रिब्स हैं तबक मास रोस्ट किए हुए हैं और ये सिमिलर टू क्वेटा के अंदर एक खाना बनता है एक डिश बनती है उसको बोलते हैं लांदी लांदी जैसी इसकी शक्ल है वो मीट को ड्राई करके और वो बनाया जाता है लेकिन ये रोस्ट हुआ है फाइनली मैं ट्राई करने लगा हूँ चीज़ें सबसे पहली चीज़ मैं ट्राई करूँगा आप गोश्त बना हुआ है मिल्क के अंदर और कश्मीरी स्टाइल के अंदर इन्होंने मटन बनाया हुआ है जिसके साथ बिल्कुल शोरबे जैसी ग्रेवी है जो पहली दफ़ा मैंने देखी मतलब वाइट क्रीमी हांडियाँ हम देखते रहते हैं वाइट शोरबा आपने नहीं देखा हुआ तो ये ज़्यादा इसके अंदर मिल्क है और ऑयल है थोड़े बहुत स्पाइसेस हर्ब्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर पड़े हुए ले जी ये डालेंगे हम वाइट राइस के ऊपर और यहाँ से हम तोड़ेंगे अपना मटन उफ यार ये तो मैं पहले वैसे ही एक दो ट्राई करना चाहूँगा ओहो वेरी माइल्ड बादामी टेस्ट एक्सट्रीमली मिल्की और जिस तरह आप बादाम वाला दूध पी रहे होते हैं वो वाली फील है थोड़े से बीच में ऐसे एक हेल्दी फील आ रही है हर्ब्स की वजह से और एक टेंडर मटन है बिल्कुल टेंडर जिसमें आप ऐसे करता हुआ मटन ये मीट बॉल्स वाला हरीसा एक और प्लेट हमारे पास आई है जिसके अंदर मटन के छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं ओ वो गुश्ताबा है ये मुझे दिखाएंगे प्लीज़ इधर ये जो गुश्ताबा हमारे पास पड़ा है वो कच्ची हालत में ये इन्होंने हमें दिखाया है गुश्ताबा इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत ऑयली टेक्सचर्ड नेक्स्ट लेवल इतना मज़ेदार हरीसा यार ओह ब्लैक पेपर होए करने के लिए अगर आपका दिल चाहता मैं हरीसे के ख्वाबों में खो चुका हूँ इतना मज़ेदार हरीसा मतलब एक 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 स्पून मैंने लिया है और इतने मिक्स फ्लेवर्स मेरे मतलब आप कोई चीज़ खाते हैं और फ्लेवर आपके मुंह में जूस की तरह आता है ना वो फ्लेवर्स हैं बड़ा सॉल्टी सा साथ में जो एक हरीसे का टेक्सचर होता है मक्खन मलाई टाइप और आपको रेजा रेजा जो है वो मीट का फील हो रहा था इसमें मटन बड़े बड़े पीसेज उन्होंने डाल के हल्की आग पे रखा होता है मटन खुरता रहता है और वो हरीसे के अंदर मिक्स होता रहता है बहुत घंटों में पकता है ये इसी वजह से कि उसके अंदर मटन या बीफ जो भी हरीसा आप खा रहे हैं उसका मीट मिक्स होता है और साथ में इन्होंने मीट बॉल्स डाल के दिए कश्मीरी जो भी मसाले हैं जो भी चीज़ है मज़ेदार टेस्ट है जितना मज़ेदार आप सोच सकते हो एक सॉल्टी सी एक वाइब आ रही है ओहो अगली चीज़ हमारे पास क्या है मैं ये सीख कबाब ट्राई कर लूँ क्योंकि ये जो है ना इतना शाइनी सा हमारे पास आया इससे पहले कि ठंडा हो जाए और मैंने जिस तरह बताया कि अक्सर इजिप्ट में मैं गया था वहाँ पे इस तरह जो सॉसेजेस होते हैं बुचर शॉप पे वो इस तरह लटकाए होते हैं उन्होंने तो वो फील हो रहा है कि वो बन गया ओह मज़ेदार यार स्पाइसी और जिस तरह वो बता रहे हैं कि उनके कोई कश्मीरी हर चीज़ कश्मीरी स्टाइल में बनी हुई है तो एक एक सही जो ड्राई मटन सीख कबाब की फील है अगली चीज़ उसामा क्या खाऊं किंग ऑफ द टेबल गुश्ताबा किंग ऑफ द टेबल हमारे पास आ चुका है मैं आपको समझाता हूँ गुश्ताबा है क्या उन्होंने मुझे समझाया मैं तो इस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं देखा हुआ था कश्मीरियों की मेन डिश और स्पेशल डिश ये होता है मीट लेते हैं मटन मीट इस तरह पत्थर की वो इतनी बड़ी किसी चीज़ पर रख के और वुडन हैमर से इसको मीट को वो इस तरह स्मैश करते हैं तोड़ते हैं अच्छी तरह वो इतना नरम मुलायम हो जाता है कि फिर उसके बड़े बड़े ये बॉल्स बनाते हैं उस मीट को कूट कूट के अभी मैं तोड़ता हूँ इसको ओ हो ये तो एक बड़ा कोफ्ता फील दे रहा है अंदर से ऐसे पिंक मीट निकला है यार ऐसे सॉफ्ट सा मतलब बिल्कुल चम्मच पे रहा हूँ और वो ऊपर से टूट रहा है क्योंकि इतना उसको इन्होंने वो वुडन हैमर से कूटा होता है कि वो उसकी वजह से बिल्कुल मीट सारा मिक्स होके रेजे रेजे से और चूरा वो सारा मिक्स हो जाता है इसको तो मैं पहले ऐसे ही खा के देखूँगा इसके साथ कश्मीरी स्टाइल ग्रेवी है ओह ये तो ऐसी खाने वाली चीज़ें हैं आपकी मैं तो रोटी की तरफ जा भी नहीं रहा मैं अच्छा मीट बड़ा बाउंसी सा हुआ है नरम नरम सा ऐसे मीट हुआ है
जो मैं चुबा रहा हूँ वो हल्का हल्का बाउंसी फील करवा रहा है अंदर से, पिंकिश जो आपको हल्का सा सावनेस फील होती है, खट्टा खट्टा सा फील होता है वो है। अगली चीज़ मैं ट्राई करूँगा जी तबक मास। तबक मास ये रिब्स हैं, इनके ऊपर मसाले वगैरह लगा के और फिर इसका इन्होंने इसको रोस्ट किया हुआ है। ओह नाइस, ओह ओह ये तो मुझे एक पहाड़ी चीज़ लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वाकई फील आया जिस तरह मैं कोई पहाड़ी इलाके में बैठ के कोई सही कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठ के श्रीनगर के खाने इंजॉय कर रहे हैं पिंडी की सड़कों गलियों में। अगली जी हमारे पास चीज़ है मटन कोफ्ता, और ओ अंदर से देखो किस तरह ऑरेंज मटन कोफ्ता निकला है। ओए होए होए अंदर से मैंने उसको तोड़ा और अंदर से बिल्कुल ऑरेंज कलर का सारा मीट है और साथ में इसके शोरबा। ओहो जो कहीं गांव में बैठ के अगर आप ऑथेंटिक एक शोरबे वाले कोफ्ते खा रहे हो ना वो फील है, और वो जो अंदर से ऑरेंज है उसकी वजह से वो स्पाइसी एकदम जुबान पे टच होता है, स्पाइस फुल फील होता है, और शोरबा नस्ली गांव वाला। खाना हमने खाया दबा के, और सर आपने हमने इनसे एक शर्त पे खाना खाया था कि हम खाना फिर खाएंगे अगर आप हमसे बिल लेंगे, कहते ठीक है। हमने जब दबा के खाने खा लिया अब ये बिल नहीं दे रहे। अब मैंने इनको कहा है कि अगली दफ़ा मैं आऊँगा और या फिर बाहर से इतना खाना पैक करवा के ले जाऊँगा कि आपका बिल जो है तो 10-15 हज़ार रुपये पे करवाऊँगा, वो मैं पे करके जाऊँगा फिर। आज आपने ये आज हमसे बिल नहीं लिया, ये ज्यादा हुई है, पहले इन्होंने वादा किया कि लूँगा। चलें सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एक हिस्ट्री जो आपने यहाँ पे बताई है 1947-48 से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, बड़े बड़े लोग कौन कौन यहाँ आया, इस होटल का बड़ा किरदार है। मियां साहब को यहाँ के खाने पसंद, शेख साहब यहाँ से खाने खाते हैं, खान साहब का परसों खाना गया यहाँ से, पिछले वीक खान साहब का खाना यहाँ से गया। चले जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, ओके भाई अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर योर कंपटीशन। अच्छा अब मैं आ गया हूँ यहाँ से बाहर, अब भाई आपको बताएगा जो बातें मैं उनके साथ खड़े होकर करता तो आपको लगता जी ये झूठी तारीफें कर रहा है। ये फूड का पाकिस्तान जो हमारी सीरीज चल रही है, ऑनेस्टली दिल से बता रहा हूँ, हमने इसको डिस्कस किया पूरी टीम को, इतना खाना पसंद आया है, सारे आगे जा रहे हैं कि फूड का पाकिस्तान का अभी तक का मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट जो खाना था, कल्चरल और डिफरेंट टेस्ट, कोई चीज़ माइल्ड है, कोई वाइल्ड है, कोई बैलेंस स्पाइसेस, मतलब कमाल यार। फूड का पाकिस्तान का आज 11वां एपिसोड है और यहाँ तक पिछले 11 एपिसोड्स का सबसे बेस्ट खाना मैं कह सकता हूँ कि ये था। अभी आगे देखते हैं पेशावर क्या टफ टाइम देता है। खैर पिंडी की गलियाँ, पिंडी की वाइब, खूबसूरत निज़ाम। ओहो कौन कहता है कि मोता ही तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा, लड़के ज्यादा देखे तो गिर डाल के नस जाऊंगा। मेरी ये जिंदगी पिंडी में मेरा प्लान था एक आधी और चीज ट्राई करने का, लेकिन ये जो सीन हो गया पिंडी यहाँ पे इस पीक के ऊपर जा चुका है, तो अभी मैं पिंडी में कुछ और ट्राई नहीं कर रहा, मैं वापस निकल चुका हूँ इस्लामाबाद के, मतलब ट्विन सिटी है, ऐसे कोई और बंदा कहीं इधर उधर का देख के सोच रहा हो कि अच्छा ये एक शहर से दूसरे शहर क्यों जा रहा, ट्विन सिटी साथ ही एक सिर्फ सड़क का बीच में रास्ता है, तो मैं निकल चुका हूँ इस्लामाबाद के लिए। मैंने करवा ली है इन ड्राइवर कार, और सबसे बड़ी गलती मैंने मुझे लगता है कि ये राजा बाज़ार में इन ड्राइवर कार करवा ली, मुझे इन ड्राइवर बाइक करवाना चाहिए था, क्योंकि अभी हम फुल ट्रैफिक में, मतलब ये सीन है कि 1 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट में हो रहा है, तो यहाँ पर बाइक ने काम दिखाना था, लेकिन अब हो गई, अब तो चल पड़े। लास्ट पार्ट ऑफ द डे इज़ चॉप चॉप वॉक, राइस एंड नूडल बार। ये जापानीज़ एक मेनली जापानीज़ बट थाई, जापानीज़, चाइनीज़, सारी मिक्स डिशेस यहाँ पे हम खा सकते हैं, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सामने किचन का ओपन किचन है, बट हम अंदर भी जाएंगे, किचन का माहौल फुल फायरी, नूडल्स बन रहे हैं, सुशी बन रही है, एक मज़ेदार माहौल है, बाहर हम आउटडोर में बैठेंगे, आउटडोर का ज़रा मज़ेदार माहौल है, इनडोर भी आप बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो हम पहुंचेंगे किचन, किचन इस साइड पे, ओके जी। ओ जनाब किचन में तो माहौल है यार, किचन में फुल माहौल है। ओ हो जबरदस्त,
is crazy. Oh boy. किचन में जितने भी शेफ खड़े हैं, आप सबकी हिम्मत है, मुश्किल काम है यहाँ खड़ा होना। काफ़ी सारी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं, उनमें से सबसे पहले मेरे पास आ चुके हैं डायनामाइट प्रॉन्स। और डायनामाइट प्रॉन्स कोई देखने में चीज़ लग रही है, ऐसे ज़रा ग्लेजी से, ज़रा चिपकू चिपकू से। ओहो हो हो, स्वीट एंड सावर डायनामाइट, प्रॉपर डायनामाइट प्रॉन्स, स्वीट एंड सावर, हल्का सा क्रंची, और अंदर से वो जो एक क्रच करके प्रॉन टूटता है और साथ में एक गुई सी फील आती है, सॉफ्ट फील। अच्छा, डायनामाइट प्रॉन्स के अलावा मैंने मंगवाया एक सुशी प्लेटर, मिक्स्ड सुशी प्लेटर। उसमें मेरे पास है स्पाइसी टूना, उसके बाद क्रंची कैलिफोर्निया, उसके बाद टेम्पूरा सुशी। तो भाई सबसे पहले जुड़े, मैं वैसे सुशी का बहुत बड़ा वेरी हूँ, मतलब मैं कहता हूँ कि सुशी मुझे मिल जाए कोई एक पूरी ट्रे भरी हुई, इसीलिए मैंने मिक्स प्लेटर मंगवाया। इसके अंदर अच्छी खासी है, एक बफे मैंने लाहौर में किया था कुछ दिन पहले, वहाँ पे सुशी बफे में पड़ी थी, भाई ने इतनी खाई कि वो कोई 2000 रुपये वाला बफे का 15000 का खाना खाया। सबसे पहले मैं खाने लगा हूँ स्पाइसी टूना, ये इसमें टूना फिश होती है, उसके अलावा जो सुशी का तरीका है वो सारा सेम। ओ हो हो, सुशी इज लव स्पाइसी टूना, ये ज़रा स्पाइसी है काफ़ी ज़्यादा। टूना सुशी के अंदर 3-4 फिशेज यूज होती हैं, रॉ फिश, टूना, सैल्मन, और उसके अलावा रेड स्नैपर। तो ये कुछ कुछ फिशेज की टाइप्स हैं जो रॉ फिश के तौर पे सुशी में यूज़ होती हैं, और इसका टेस्ट रॉ वाला नहीं होता, रॉ फिश होती है, अक्सर लोगों को लगता है हुए कच्ची मछली वाली हमक आएगी, ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं होता। रॉ फिश की आपको फील होती है, एक टेक्सचर होता है, टेस्ट वो नहीं होता, उसका अपना एक टेस्ट है। और आउटलाइन जो है वो सारी सुशी की होती है, बॉयल्ड स्टिकी राइस की। खैर, अगली मेरे पास है जी टेम्पूरा सुशी, इसके ऊपर इन्होंने एक सॉस वॉस लगाई हुई है, अंदर वही खीरे हैं और इसके अंदर टेम्पूरा है। तो ये खाते हैं। मज़ेदार, मेरे को खीरा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, वैसे टेस्ट बहुत मज़े का। ठीक है जी, अगली मैं ट्राई करूँगा क्रंची कैलिफोर्निया, जिसके अंदर प्रॉन्स हैं और ऊपर इन्होंने सॉस लगाई हुई है और साथ में क्रिस्पी क्रंची ब्रेड क्रम्स। ये क्या है, वो मस्त गाड़ी गुजरी है यहाँ से। खैर आजा बाहर, छुप के कहाँ बैठी हो। इसको हम डिप करेंगे थोड़ा सा सोए सॉस के अंदर। बाहर बेस्ट प्रॉन्स। अच्छा, सुशी एक बाइट में खाने की आपको रीज़न बताएं कि एक बाइट में सुशी को क्यों खाते हैं। इसलिए क्योंकि इसके अंदर 4-5 डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, और एक बाइट में खाने का मकसद ये होता है कि आपके मुंह के अंदर एक सारे फ्लेवर्स जो हैं वो एक दम से हैं। क्योंकि सुशी में पी रहे हैं जो भी फिश है, पूरा प्रॉन्स आप जो भी ले रहे हैं वो है, राइस का एक टेस्ट है, और राइस जो होते हैं सुशी के राइस वो विनेगर के अंदर इन्होंने उसको सीजन किया होता है काफ़ी टाइम, तो उसके अंदर एक पूरा जो है वो विनेगर का टेस्ट ऐड हो रहा होता है, बड़ा स्मूथ सा, बड़ा न्यूट्रल सा टेस्ट होता है जो आपके पूरे मुँह के साथ मतलब एक बराबर एक जायके दे रहा होता है, सावरनेस, सॉल्टी, हल्का सा स्वीट, और बीच में एक मीट टेक्सचर आता है। अच्छा जी, सुशी से हम आते हैं साइड पे, एक बैलेंस्ड जैपनीज़ मज़ेदार सुशी हमने इंजॉय की है, सोया सॉस वगैरह के बीच में टेस्ट, मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स होता है। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन करी है विद फ्राइड राइस, विद बॉयल्ड राइस, उसके अलावा हमारे पास थाई बीफ नूडल्स हैं, उसके अलावा मेरे पास इधर क्रिस्पी बीफ विद ब्रोकली है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बीजिंग बीफ है विद बॉयल्ड राइस। और सबसे पहले मैं यार ये एक बीफ उठाता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो है ना ब्रोकली बीफ, ये रह रह के याद आ रहा है, पूरा चीज़ें ऐसे आग के अंदर बनी हुई हैं। वेरी क्रिस्पी, स्वीट, प्लस एक
स्मोकी सा टेस्ट है। क्रिस्पी बीफ विद ब्रोकली और नीचे जो है वो छुपे हुए हैं वाइट बॉइल्ड राइस, और उसकी जो क्रिस्पी बीफ की सॉस है वो नीचे मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। उसके वाइट बॉइल्ड राइस का अपना एक अलग टेस्ट बन चुका होगा आई एम श्योर, क्योंकि जो बीफ का सारा वो जूस नीचे निकलता हुआ जा रहा है उसकी वजह से वाइट राइस ब्राउन हो चुके हैं। हो मतलब ऊपर से जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रिस्प और जिस तरह आप खाते ना क्रंची सी चीज़, और अंदर एक बीफ का आपको फील, और ज़रा मीठा मीठा सा थोड़े से स्पाइसेस फील हो रहे हैं, और साथ में ब्रोकली इन्होंने दी हुई है। ब्रोकली भाई की एक पसंदीदा चीज़ है ख़ास तौर पे स्टेक के साथ। लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी ज़रूरी होती है खाने के बाद। इधर ज़रा वीडियो हाई नोट पे आ चुके हैं, यहीं पे स्पेंड कर देते हैं बेहतर है। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआओं में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। फूड का पाकिस्तान एपिसोड 11 यहाँ एंड होता है। कल हम लोग कहाँ निकल रहे हैं गेस करें, आगे कहाँ फूड का पाकिस्तान के कितने दो एपिसोड रह गए हमारे, तो ये थर्ड लास्ट एपिसोड है। सेकेंड लास्ट में हम क्या कर रहे हैं और लास्ट में क्या कर रहे हैं कॉमेंट्स में आप गेस कर सकते हैं। अल्लाह।